हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ जी, आज हम लेसन पढ़ेंगे झांसी की रानी, जिसका पेज नंबर 20 और 21 है। हाँ जी, इसकी जो लेखिका है वो सुमित्रा कुमारी चौहान है। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की डेरी कि इसमें इस समाधि में एक राख की डेरी छुपी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिसने सवे जलकर और देश को स्वतंत्र कराया। यह समाधि एक लघु समाधि है। यह जो समाधि है, लघु का अर्थ होता है छोटी। यह जो समाधि एक छोटी समाधि है झांसी की रानी की, झांसी की रानी की एक छोटी सी समाधि है। अंतिम लीला स्थल यही है। लक्ष्मी मर्दानी का यहाँ पर अंतिम बार वह लड़ी थी, यही उनका लीला स्थल बना हुआ है। यहीं कहीं पर बिखर गई वज्ञ विजय माला सी। हाँ जी, वज्ञ यानी कि टूटी फूटी, विजय यानी कि जीत की माला। उसकी जो जीत की माला है वो यहीं कहीं पर बिखरी हुई है उसकी यादें बनकर। उसके फूल यहीं सिंचित है, यह स्मृति साला सी। उसके जो जादों के फूल है वह स्मृति में ही सिंचित है, यानी कि उसकी याद यहीं पर है। सही वार पर बार अंत तक लड़ी वीर पाला सी, उसने अंत तक वार पे पार सही। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। यानी कि वह चिता पर आहुति सी बनकर चढ़ गई, चमक उठी ज्वाला सी और आग की लपटों की तरह चमकने लगी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, कि युद्ध भूमि में बलि होने से वीर का मान बढ़ जाता है। मूल्यवंती होती सोने की भस्म यथा सोने से, जिस प्रकार सोने की जो भस्म होती है वह सोने से अधिक कीमती होती है, उसी प्रकार जब युद्ध में कोई वीर शहीद होता है तो उसका मान बढ़ जाता है। रानी से भी अधिक हमें यह समाधि प्यारी है, कि हमें रानी से भी अधिक यही समाधि प्यारी है, क्योंकि उससे हमें इस चीज का ज्ञान होता है कि उन्होंने किस प्रकार स्वयं लड़कर और शहीद हो गई और हमें स्वतंत्र करवा दिया। यही निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी सी, इसी से हमारे मन में स्वतंत्र होने की आशा उत्पन्न हुई थी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है कहीं पाते। हाँ जी, सुमित्रा कुमारी चौहान लेखिका कह रही है कि इससे भी सुंदर, कहीं सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं, हम जग में देखते हैं। उनकी कथा पर निषिद्ध में सुंदर जंतु ही गाते, लेकिन उसकी जो गाथा है उन पर बैठकर, उन समाधियों पर सिर्फ सुंदर जंतु, नाम बोलने वाले जंतु ही गीत गाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में, हाँ जी, कवियों की अमर गिरा यानी कि नए मिटने वाली कहानियों में इसकी अमिट कहानी, अमिट कभी न मिटने वाली झांसी की रानी की कहानियां है। स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की बानी है, स्नेह और श्रद्धा से वीरों की बानी झांसी की रानी के गुणों के बारे में गाती है। बुंदेले एक जाति के लोग हैं, बुंदेले, बुंदेले हर बोलों के मुख, यानी कि बुंदेलों के हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी है, बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी है।
खूब लड़ी मर्दानी की, वह मर्दानी थी जो खूब लड़ी थी, झांसी वाली रानी थी। यह समाधि एक चिर समाधि है, चिर का मतलब कि सदा रहने वाली। यह समाधि एक चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी का, और अंतिम लीला स्थल यहाँ पर लक्ष्मी बाई मर्दानी का बना हुआ है। हाँ जी बच्चों, यह लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। आपने सुंदर सुंदर लिखा है, इन्हें से नोटबुक्स भी करना है, इसके क्वेश्चन उत्तर याद करने हैं। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।